हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है डीजल ऑक्सीजन के ऊपर। एक्वाकल्चर में डीजल ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप ना करके ज़रूर देखिए एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिए, सो दैट आपको बहुत सारे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे डीजल ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, और आने वाले दिनों में जितने सारे कंटेंट मैं पब्लिश करूंगा रिलेटेड टू एक्वाकल्चर, वो सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे और आप लोग बहुत ईजिली उस सबको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये डीजल ऑक्सीजन बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है अगर आप हाई डेंसिटी कल्चर कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, जब हाई डेंसिटी कल्चर आप कर रहे हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके वजह से अगर वो फुलफिल नहीं होता तो मछलियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मोर्टेलिटी वो सब होता है। तो आपको पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए डीजल ऑक्सीजन को मॉनिटरिंग करने के लिए। तो आज ये जो टॉपिक है उसके ऊपर है, तो आज मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिसको यूज़ करके आप कंटिन्यूसली आपका जो आपका कल्चर पॉन्ड हो, टैंक हो, उसका जो डीजल ऑक्सीजन कैसे उसको मॉनिटरिंग करना है, देखना है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास है कुछ प्रोडक्ट्स है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट यूज़ करके आप आपका जो पॉन्ड का जो पानी का डीओ डीजल ऑक्सीजन उसको आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। ओके, जो मिनिमम आपको डीओ आपको मेंटेन करके रखना है, डिपेंडिंग अपन आप कितना स्टॉकिंग डेंसिटी पे कल्चर कर रहे हो, मिनिमम 5 से ऊपर रहने अगर रखते हो तो दैट विल बी गुड, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर उससे नीचे जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का उनका डीजल ऑक्सीजन किट आता है। तो ये जो दो फर्स्ट दो है, ये कंपनी का और एक दूसरे कंपनी का जो किट है, तो ये मैनुअल प्रोसेस है। तो इसका जो कॉस्टिंग लगभग वैरी करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका MRP है अराउंड 660 रुपीज़ MRP है। तो ये सारे चीज़ अमेजन पे मिल जाएगा आपका, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहे तो इसको ख़रीद सकते हो। ओके, इसमें एक ही प्रॉब्लम है इनका, अगर आप डीओ टेस्ट करने जाते हो इस टेस्टिंग किट का यूज़ करके, तो लगभग एस्टिमेटेड टाइम आपको लगेगा अराउंड 20 से लेकर 30 मिनट तक। मान लीजिए आपके पास 10 पॉन्ड है, अगर उनका डीओ आप मेंटेन करने जाओगे लगभग 3 घंटा आपको लगेगा, अगर इस किट के यूज़ करके आप मेजर करना चाहते हो तो। तो ये किट का बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो लगभग ये आधा घंटा मिनिमम 15 से लेकर 30 मिनट तक टाइम इनको लगता है, ये दोनों टेस्ट किट का अगर आप यूज करना चाहते हो तो। तो इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ता है। तो एक टेस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, यह अराउंड 100 टेस्ट आप कर सकते हो, और दूसरा वाला लिखा है अराउंड 50 टेस्ट के आप कर सकते हो। ओके, तो इसका जो कॉस्टिंग रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रहता है, लगभग 500 से लेकर 2000 रुपीज़ तक कॉस्टिंग आता है। ओके, ये है मैनुअल प्रोसेस। केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल यूज़ करके ये डीओ को कितना है आपके टैंक में डीओ उसको मेजर किया जाता है। और दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट, ये दोनों है डिजिटल प्रोडक्ट जो कि बहुत ही सिंपल एंड इजी टू यूज़ है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, विद इन 2 मिनट में आपका डीओ पानी में कितना है वो आप पता कर सकते हो ये डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ करके। बट इसका प्राइस थोड़ा डिफरेंस है, इसका प्राइस शुरू होता है मोर देन 10,000 से ऊपर उसका शुरू होता है, लगभग 50-60,000 तक भी प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैंक्स हैं, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनली एक्वाकल्चर में करना चाहते हो, फिश कल्चर या श्रिम कल्चर, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि गो फॉर डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा और आप बहुत ही इजीली आपका डीओ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो मैनुअल प्रोसेस में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें 6 या 7 स्टेप दिया गया है उसको करने के लिए, अगर बीच में आधा घंटे टाइम में कुछ भूल जाते हो तो फिर से उसको दोहराना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिल सकता। ओके, तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो बेटर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, ठीक है, तो अगर ये वाला जो डिजिटल प्रोडक्ट है तो ये वाला लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होगा और आपका एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़ जाएगा और 2 मिनट में आपका काम हो सकता है। इसका यूज मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊँगा। ओके, बहुत ही सिंपल एंड इजी टू यूज़ है। आपको सैंपल वाटर लेना है और उसका जो ये सेंसर आता है, ठीक है, तो ये है उसका सेंसर, तो उसको डीप करना है और इसका जो डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे, तो एक वैल्यू दिखाएगा, पहले वो वैल्यू फ्लक्चुएटिंग करेगा, 2 मिनट के बाद स्टेबल हो जाएगा। तो
तो आपको पता है जब जो भी वैल्यू में स्टेबल होगा वो होगा आपका DO। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके, तो सेम है ये उनका, बहुत सारी कंपनी का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये कंपनी है ल्यूट्रॉन करके, तो ये बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है। मैं पिछले 4-5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसका लिंक में भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, चाहे तो उसको क्लिक करके खरीद सकते हो। चलिए इसको ऑन करते हैं और अभी मैं आपको लाइव इसको DO मेजर करके मेरा पॉन्ड में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये डिटा जो सेंसर है इसका है, ये जो प्रोडक्ट है ये आप डिटाच इसको कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे फिक्स करना है। तो आपको ये इनपुट जो है, आप देखिए इसका जो एक है इनपुट एरिया, तो यहाँ पे उसको सेंसर को आपको फिक्स करना है और इसको ऑन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं DO आपको दिखाने के बाद मैं आपको इसके बाद आपको कैलिब्रेशन इसको कैसे करते हैं उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं, DO मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आपको ये इनपुट में ये सेंसर को डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये स्विच को ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन कर देने के बाद आपको क्या करना है, अभी इसको आपका जो दूसरा एंड है तो ये वाला जो सेंसर है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, पानी के अंदर डायरेक्टली आप पॉन्ड के अंदर डाल सकते हो, नहीं तो आप पॉन्ड का जो पानी है तो किसी भी कंटेनर से लेके बाहर भी उसको टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है कितना, देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिए अराउंड 12-13 ऐसा दिखा रहा है। ओके, तो चलिए चलिए अभी जो ये हैंड है, जो सेंसर हैंड है, पानी के नीचे ऑलरेडी जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी आप यहाँ पे देखिए, सो ये धीरे धीरे जो वैल्यू है, पहले थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, फिर बाद में 1 या 2 मिनट में ये कांस्टेंट हो जाएगा। और जहाँ पे भी ये कांस्टेंट होगा तो वो वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हो, वो है आपका पॉन्ड का DO। ओके, तो ये वैल्यू जो धीरे 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 एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुक जाएगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 14.9-15 के आसपास दिखा रहा है। ओके, तो ये 2 मिनट के आप रुक जाइए, फिर 2 मिनट के बाद इसको देखिए ये एक्चुअली कितना पे दिखा रहा है, तो वो होगा आपका DO। तो ये है बहुत ही सिंपल एंड इजी सा प्रोसेस है जिससे आप कंटिन्यूसली DO मेजर कर सकते हो। ओके, और बीच बीच में आपको इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन मतलब इसको रीसेट करना पड़ता है, नहीं तो आपको रॉन्ग वैल्यू शो करेगा। ओके, तो ये जो DO मीटर के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट आता है इसके साथ, इस ये वाला इसके ये जो है उसका सेंसर का कवर है, तो इसके अंदर एक सॉल्यूशन आता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं, इसके अंदर उसको आपको डालना पड़ेगा। जब पहले आप खरीदोगे तो इसको आपको डालना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वाला सेंसर, इसको डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना है, पानी में नहीं डालना है, तो आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसके साथ ही आता है। ओके, तो ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, आपको इसको अंदर फिल कर देना है। और इसके साथ भी कंपनी एक्स्ट्रा कुछ कैप्स भी देते हैं। ओके, अगर ये अगर इनकेस ख़राब हो जाता है, अब नया वाला कैप भी यूज़ कर सकते हो और इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हो। ओके, कभी भी इसको ड्राई मत छोड़िए। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये जेल की तरह होता है, आपको इसके अंदर फिल कर देना है। तो फिल करने के बाद आपको ये सेंसर को कवर कर देना है, ठीक है, बंद कर देना है। ओके, थोड़ा सा ओवरफ्लो होगा, दैट्स ओके। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कैलिब्रेट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलिब्रेशन करना है। तो कैलिब्रेशन का प्रिंसिपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पहले आपको DO मीटर को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी यहाँ पे देख सकते हो, तो देखिए यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, कैलिब्रेशन पे आपको
कैलिब्रेशन पे डालना है और आपको इसको ऑन करना है। तो फर्स्ट चीज आपको ऑब्जर्व करना है, ये जीरो दिखा रहा है कि नहीं है, ठीक है। अगर इन केस ये जीरो पे जीरो नहीं दिखा रहा है तो इसके साथ आता है ये का स्क्रू ड्राइवर आता है, ठीक है। तो ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके तो यहाँ पे जो है कैलिब्रेशन को इसको आप जीरो पे कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जीरो पे है, तो नहीं तो ये स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको जीरो पे एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये जीरो पे दिखा रहा है तो मतलब सब कुछ अभी ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो इनपुट में ये सेंसर को इनपुट में डालना है, ठीक है, जो सेंसर का जो केबल है, और उसको जो और ये जो स्विच को आपको क्या करना है, कैलिब्रेशन में ऑलरेडी आपने स्विच किया हुआ है कैलिब्रेशन के साइड, और कैलिब्रेशन में डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए जो डिस्प्ले में 20.9 दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो आपको आपको एडजस्ट करना है। चलिए अभी देखते हैं। तो अभी देखिए ये सेंसर, अभी ये सेंसर जो है बाहर ही है, अभी उसको पानी में नहीं डाल आपको नहीं डालना है, बाहर ही रखना है। और आपको ये आपको 20 दिखाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा टाइम रुक जाइए, फिर अगर ये 20 पे नहीं दिखा रहा है, रॉन्ग वैल्यू दिखा रहा है, तो आपको इसको रीसेट करके 20 पे लाना है, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए, 20.9 मतलब ये है हमारा एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का लेवल है 20.9 है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, मोस्टली 78% नाइट्रोजन है और अराउंड 20.9 ऑक्सीजन रहता है। तो इसलिए जो बाहर का ऑक्सीजन यहाँ पे शो करना चाहिए 20.9, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है 30.4। ओके, अभी अगर अगर ये रॉन्ग वैल्यू दिखाता है तो हमको उसको 20.9 पे रखना है। ओके, इसको कुछ टाइम तक छोड़ दीजिए। अभी 27 पे धीरे धीरे ये रुक रहा है। ओके, अभी 26.9 पे धीरे धीरे रुक रहा है। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे, 20.9 पे लेके आएंगे। ओके, देखिए यहाँ से अभी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो नहीं रहा है। ओके, अभी हमको इसको एडजस्ट करना है। आपको कहाँ पे डालना है, तो ये वाला जो कैलिब्रेशन है यहाँ पे जो नब है, तो आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे उसको स्क्रू से उसको एडजस्ट करना है, 20.9 पे लेके आना है, ठीक है। धीरे धीरे घुमाएंगे, जब ये 20.9 पे आके आपको रखना है। तो ये है कैलिब्रेशन प्रोसेस। अभी हो गया 21.8, हमको 20.9 पर रखना है। हाँ, तो एग्जैक्टली हमको इसी वैल्यू पे रखना है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया हमारा जो एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है, एयर है, तो ये 20.9 है, तो इसी पे हमको रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका कैलिब्रेशन। ओके, तो कैलिब्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। फिर आपको ये जो वाला जो स्विच है, कैलिब्रेशन वाला स्विच, आपको इस साइड डीओ के साइड आपको इसको मूव कर देना है। देखिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, तो इसको फिर 8 हो गया, फिर इसको 9 पे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कैलिब्रेशन का जो स्विच है, तो उसको आपको डीओ पे आपको मूव कर देना है, अगर आपको पॉन्ड का डीओ मेजर करना है। तो हो गया, अभी चलिए ये सेंसर को पानी में डालते हैं। सेंसर को आप इसको डायरेक्टली पॉन्ड में डाल सकते हो,
नहीं तो आप पान पौंड का पानी लेके बाहर इसको टेस्ट कर सकते हो। ये चला गया उसका जो सेंसर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ का डिस्प्ले, तो यहाँ पे ये लगभग 2 मिनट का टाइम लेगा वो स्टेबल होने में। ओके, तो 2 मिनट तक आप छोड़ दीजिए और जो भी वैल्यू आता है वो होगा आपका ड्यू। तो दोस्तों ये देखिए अराउंड 13.4 पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका मतलब है जो मेरा जो अभी पौंड का जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल है वो करीबन 13.4 आप पकड़ सकते हैं, 13 से ऊपर है, तो लगभग 13 के आसपास है पकड़ सकते हो। ओके, तो आप जब ये पर्टिकुलर एक जगह पे रुक जाएगा तब होगा वो होगा आपका डीओ, मतलब आपका जो पौंड का डीओ उतना लेवल पे मेंटेन होकर रह रहा है। तो दोस्तों ये था इस प्रोडक्ट का कैलिब्रेशन टेक्निक, कैसे उसको कैलिब्रेशन करना है और कैसे आपका जो पौंड को डीओ मेंटेन करना है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट रहता है, और एक प्रोडक्ट है ये वाला जो मॉडल है इसका जो डीओ का जो कैलिब्रेशन का टेक्निक है उसमें सेंटर पे दिया गया है। अगर इस मशीन को ऑन करके आप इसको होल्ड पे रखते हो तो कुछ 5 to 10 सेकेंड फिर ये ऑटोमेटिकली ये कैलिब्रेशन करना शुरू कर देता है। तो ये ऑटो कैलिब्रेशन वाला जो प्रोडक्ट है, और ये जो कैलिब्रेशन है ये मैनुअल वाला। ओके, तो ऐसा हर एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट कैलिब्रेशन का टेक्निक होता है। तो आप उसको जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करने वाला है उसका कैलिब्रेशन कैसे होता है अब उसका मैनुअल पढ़ लेना, तो उसके हिसाब से आपको महीने में एक या दो बार उसको आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, सो दैट आपको प्रॉपरली रिजल्ट आपको वो दिखाएगा। ओके दोस्तों, ये था डीओ डीजल ऑक्सीजन मीटर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। अभी आप मेरे पौंड पे देख सकते हो, मेरे पौंड पे कोई भी एरेशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे डीओ मोर देन 13 पे मेंटेन होकर रह रहा है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले एक साल से, तो आने वाले दिनों में इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ऑलरेडी इस कल्चर में हमने श्रिंप भी हमने यहाँ पे स्टॉकिंग करके रखा है, ये विंटर कल्चर चल रहा है अभी। ओके, उसके बारे में भी मैं अपडेट दूंगा आने वाले दिनों में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए, इसको शेयर कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट दूसरे लोग भी यहाँ से इससे बेनिफिट हो। अगर और ये तो सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, अगर चाहे तो आप उसको क्लिक करके ख़रीद सकते हो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।